हमें बेवकूफ मत बनाओ मोदी साहब, हम बेवकूफ नहीं है। देश की सेना के साथ आप कैसे कहते हो राष्ट्रवाद? आप राष्ट्रवादी हो? कहाँ के राष्ट्रवादी हो आप? सेना के सबसे ज्यादा खिलाफ हो। आपने जितना पिछले 10 साल के अंदर सेना को कमजोर करने का काम किया है मोदी साहब, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं किया है। अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर देते हो, इनको बेरोजगार बना देते हो, तो ये कौन सा न्याय है भाई? भाई ऐसे गलतियां, ऐसे जुमलेबाजी मत करो। क्या उसको अग्नि में झोंकने का काम नहीं कर रही है सरकार? नमस्कार, मैं नूरजौर, आप देख रहे हैं जनित आवाज। लगातार जो आर्मी का जो अग्निवीर योजना को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार उसको 3 महीने हो चुके हैं और आज एक फिर से एक बार प्रदर्शन था दिल्ली के जंतर मंतर पे। बहुत ही भारी संख्या में युवा आए हुए थे यहाँ पे और हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी जी मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है, अभी बड़ी संख्या में आपके साथ भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, अब क्या लग रहा है आगे कुछ होने वाला है? देखिए ये युवाओं की आवाज़ है, ये देश के सैनिकों की आवाज़ है, पूर्व सैनिकों की आवाज़ है। देश के युवाओं को न्याय चाहिए, देश के सैनिकों को न्याय चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से जय जवान अभियान हमने चलाया है, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, तो ये हमारे सब बच्चे जो हैं ये सब न्याय योद्धा हैं। और जब जब युवा सैनिक पूर्व सैनिक इकट्ठा हुआ है, तब्दीलियां हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं, सत्ताएं परिवर्तन हुए हैं, तो मोदी जी मैं आपको यहां से चेताना चाहता हूं कि 2024 का इलेक्शन दूर नहीं, आपको सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर हमारी मांगे हैं, बड़ी साफ मांग है कि 1.5 लाख युवाओं को अग्निवीर योजना की आड़ में जो आपने बेरोजगार कर दिया है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि 60 लाख युवाओं में से 1.5 लाख चुने गए और ये बहुत ही उम्दा किस्म के बच्चे हैं, बिल्कुल सेना में ज्वाइन करने लायक थे, इनको एक फरमान से आपने बेरोजगार कर दिया। इनको इनकी पेंडिंग भर्ती को पूरा किया जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। आपकी पेंडिंग भर्ती जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले पूर्व सैनिक भी धरने पर बैठे हुए थे, तो आपको लग रहा है उनके बाद अब आप लोग भी धरने पर हैं? देश का हर वर्ग मोदी सरकार से त्रस्त है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो आज हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 32 साल की है। 32 साल के युवाओं में देश में अपना एक सपना, अपने कर गुजरने का, काम करने का, देश की सेना में काम करने का और किसी और काम में, अपनी नौकरियों के लिए उनके सपने होते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए किया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो मोदी सरकार कहती है कि हम राष्ट्रभक्त, हम देशभक्त, हम सेना के भक्त, उन्होंने इसी सेना को कमज़ोर करने का काम किया है, अग्निपथ स्कीम लाकर देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम है। उसके साथ साथ युवा इनको बेरोजगार किया है, देश की सेना कमज़ोर हुई, कॉन्ट्रैक्ट के सोल्जर्स भर्ती किए जा रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद हमारे देश की सेना आधी रह जाएगी और जो सेना हमारी बचेगी वो सिर्फ अग्निवीरों की होगी, जिनको ना तो टैंक चलाना आएगा, ना वो गन चला पाएंगे, ना वो जहाज चला पाएंगे, ना वो रेडार चला पाएंगे, कैसे कह सकते हैं कि वो चला ही नहीं पाएंगे कुछ। 4 साल, 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर बेरोजगार, एक सैनिक को तैयार करने के लिए 1.5 साल की पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना, कैसे चलना है, कैसे चाल ढाल सब कुछ दुरुस्त डिसिप्लिन करने के लिए 1.5 साल लगते हैं, यहाँ पे 6 महीने। उसके बाद यूनिट के अंदर कैडर चलते हैं और उन कैडर्स के अंदर उनको जिस यूनिट में जाते हैं, आर्मर्ड में जाते हैं, इंजीनियर्स में जाते हैं, ईएमई में जाते हैं, एएसी में जाते हैं, इन्फेंट्री में जाते हैं, एयर डिफेंस में जाते हैं, सिग्नल्स में जाते हैं, बहुत टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए हमें ऑल वेदर डिप्लॉयबल सोल्जर तैयार करने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। एक हेलीकॉप्टर को सर्टिफाई करना है उड़ने के लिए तो 18 लोग साइन करते हैं, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को या किसी भी एयरक्राफ्ट को चलाना है तो उसके लिए 18 लोगों की जो सहमति होती है उसके बाद पास करते हैं, उसके बाद होता है। एक शिप को चलाने के लिए जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा कॉम्पोनेंट हैं, उनको चलाने के लिए आपको ट्रेंड सोल्जर चाहिए,
चार साल के सोल्जर में छः महीने की ट्रेनिंग, एक साल की छुट्टी, ढाई साल के बाद ढाई साल काम। और क्योंकि ये सेना की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जनरल नरवाने साहब ने भी कहा कि ये सब हमारा ये जो अग्निपथ आई तो ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ऐसे में क्या हमें ये सेना चाहिए? हमें ऐसी सेना नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली सेना नहीं चाहिए। हमारा 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। तो ऐसे में क्या ये युवा जिसको मालूम है कि उसको दिल्ली के मिनिमम वेज से कम 21,000 रुपया मिल रहा है, क्या वो अपना जी जान लगा के लड़ेगा? और क्या उसको अग्नि में झोंकने का काम नहीं कर रही है सरकार? और सेना ने भी माना है कि ये पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, मेंटली फिजिकली ट्रेंड नहीं है, तो इन सैनिकों को हर जगह पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। इनको हार्श कंडीशन के अंदर, ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर, सेंसिटिव लोकेशंस के ऊपर इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। इनमें से समस्या है तो क्यों चाहिए हमें ऐसी से? इनमें से जितने भी युवा हैं उनकी कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना जो भी स्कीम है उसके तहत इनकी उम्र निकल गई है, तो वो युवा कहाँ जाएंगे फिर? वो भी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब लेंगे ही नहीं उनको तो फिर आर्मी में। कोरोना काल के अंदर बच्चों को घर बैठे डिग्रियां की गई, बिना एग्जाम दिए एग्जाम में पास किया गया, तो सेना के अंदर ये जो बच्चे जब भर्ती के लिए तैयार थे, एक सिस्टम है कि जो उनकी एज उस समय निर्धारित थी उसी एज के बाद जो समय बीत गया सरकार की गलती की वजह से और इस तुगलकी स्कीम की वजह से, तो उसको ज़ीरो ईयर माना जाए। ये आज भी 23 और 24 साल के बच्चे हैं, इनको इनमें कोई कमी नहीं है, आज भी ये पूरे सैनिक बनने के लिए तैयार हैं, तो ज़ीरो ईयर उसको 2 साल 3 साल जो भी हो उसको माना जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। इससे पहले भी फ़ौज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, टेक्निकल ट्रेड्स जैसे हुआ करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें 25 साल उम्र थी, अग्निवीर लाने के एवज में इन्होंने 21 साल कर दी, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने 23 साल कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनके 2 साल और बीत चुके हैं। लेकिन जो कोविड जो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ मोदी साहब, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ये युवा बिल्कुल तैयार हैं सेना को ज्वाइन करने के लिए, भर्तियों के लिए पूरा प्रोसेस इन्होंने देखा हुआ है, 1.5 लाख युवा हैं, इनको ज्वाइनिंग कराइए, इनका जो भी बीच का समय बीता गया है उसको जीरो पीरियड माना जाए और इनको तुरंत प्रभाव से इसको भर्ती किया जाए और अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाए और अग्निवीरों को रेगुलर किया जाए। एक और चीज़ें बोलना चाहूँगी, जो कोविड-19 थी वो सरकार की गलती थोड़ी ना थी, वो तो नेचुरल हुआ था ना, जो भी हुआ था कोविड-19 की वजह से, आप कह रहे हैं सरकार की गलती है। ये बच्चे डिफेंस मिनिस्टर से मिले, कई बार मिले, 2019, 20, 21 और 22 की भर्तियां सरकार के पास गए, सेना के पास गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह जी ने इनको मार्च 2022 में कहा है कि थोड़े दिन इंतज़ार करो, आपकी भर्तियां पूरी की जाएंगी, ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, और उसके बाद 3 महीने बाद आप अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर देते हो, इनको बेरोज़गार बना देते हो, तो ये कौन सा न्याय है भाई? भाई ऐसे गलती और ऐसे जुमलेबाजी मत करो। आपने इसी तरह से हमारे साथ वन रैंक वन पेंशन के अंदर जब 2013 में रिवाड़ी रैली के अंदर कहा था 100 दिन के अंदर हम आपको जो है वन रैंक वन पेंशन दे देंगे, तो आपने बात उठाई थी पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं ORP 1 और ORP 2 में, तो वो पूरा नहीं किया आपने। देश की सेना के साथ आप कैसे कहते हो राष्ट्रवाद? आप राष्ट्रवादी हो? कहाँ के राष्ट्रवादी हो आप? सेना के सबसे ज़्यादा खिलाफ हो। आपने जितना पिछले 10 साल के अंदर सेना को कमज़ोर करने का काम किया है मोदी साहब, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं किया है। एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 400 साल पहले देश को गुलाम बनाया था, आपने देश की सेना को कमज़ोर करके भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट के जो आप सैनिक भर्ती कर रहे हो इनको भर्ती करके, और इनमें से जो 75% निकल जाएंगे उनको अपने दोस्तों की पूंजीपतियों की सेनाओं के अंदर भर्ती करवा के देश की सेना को कमज़ोर करके आप गुलामी की तरफ भगा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी सेना, हमें चाहिए अपने देश की सेना मजबूत। आप चाहते हैं अपने देश कमज़ोर हो? यस नो? देश मजबूत होना चाहिए। देश कब मजबूत होगा? सेना मजबूत चाहिए, सेना मजबूत चाहिए, यस और नो? यस
आपकी भावनाएं देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं देश की सेना के साथ जुड़ी हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने कपड़े उतार के प्रदर्शन करा था, तो क्या कपड़े उतारने से सरकार सुन लेगी आप लोगों की? आपने बात नहीं सुनी, मोदी सरकार ये ठंड में भी काम करते हैं, तपती धूप में भी काम करते हैं। अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि एक एक अपने घर से अग्निवीर पैदा करके फौज में भेजें, सरहद पर भेजें। तो ये उनको बताने के लिए एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि हम ना तो ठंड से घबराते हैं, ना गर्मी से घबराते हैं, हम देश के भावी सैनिक हैं, देश की सेना में काम करना चाहते हैं, देश के सैनिक बनना चाहते हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इतनी ठंड में जहां लोग कांप रहे हैं, वहां पे ये लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अपनी ज्वाइनिंग चाहिए। जो पेंडिंग भर्ती है उसमें जो ये लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन बन चुका है। इन लोगों को चाहिए कि हमें आर्मी में ज्वाइन करा जाए, हम देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि सुनती ही नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनका प्रदर्शन बहुत ही लंबा चलेगा या सरकार पहले ही सुन लेगी? 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, अब देखना ये सरकार कब तक सुनती है। बाकी इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।